स्टूडेंट क्लास गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों के? हम लोग भारतीय इतिहास के स्वर्णिम प्रश्न में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। हैंसा के अनुसार हर्षकाल में या हर्षकालीन भारत में किस प्रकार के कर लिए जाते थे? हर्ष अपने काल में किस प्रकार के करों का निदान करते थे, वो उस बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो कर था वो भाग के रूप में लिया जाता था, दूसरा जो कर था वो व्यापारी या कृषि के रूप में जो है कर लिया जाता था, व्यापारी या कृषि रूप में कर लिया जाता था। ये था व्यापारी या कृषि कर, जिसको अपने हिरण्य कर कहते हैं। तीसरा जो है बलि कर है, ठीक है, ये भी लिया जाता है सचक रूप में। साथ ही नाव पर भी कर संबोधन लिया जाता है, नाव कर के रूप में इसको कहा जाता है। नाव पर भी हर्षकालीन भारत में लिया जाता था कर। साथ ही व्यंजन पे जो है ये बताए हैं कि राजस्व रूप में भी कई प्रकार के कर जो है वो हर्षकालीन भारत में लिए जाते थे, और इसमें अलग अलग प्रकार से राजस्व कर लिए जाते थे। राजकार्यों में जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी वो साथ में इसमें समेटी जाती थी, इसमें ली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी कानून के अंतर्गत आती थी। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास में हर कार्य में कैसा था इसके बारे में जान लेते हैं कि हर्षकालीन भारत में दंड विधान किस प्रकार था। तो वह कार्य है जो यह वह कार्य है जो अपराधी था, अपराध में दिया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? एक बात मैं आपको बता दूं, हर्षकालीन भारत में दंड विधान के रूप में, क्योंकि दंड विधान जो है वो काफी सरल था, अपराधी ही बहुत कम थे, उन अपराधियों के कम होने के हिसाब से इतना दंड विधान जो है वो कठोर नहीं था, दंड विधान सरल था। पहले पढ़ने वाले जो पढ़ लिख सकते हैं, हर्षकालीन भारत में दंड विधान सरल था, अगर
पाया जाता तो उसे कठोर प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सामाजिक पक्ष के बारे में बात करते हैं कि सामाजिक पक्ष कैसे था। सामाजिक पक्ष को चार भागों में बांटा है, पहला ब्राह्मण, दूसरा वैश्य, तीसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र और वैश्य और चौथा शूद्र।
प्रकार से ये चार पक्ष थे, पहला ब्राह्मण क्षत्रिय तीसरा शूद्र, ये चार पक्ष थे जिसमें सबसे पहला ब्राह्मण यानी पहला वर्ग जो पढ़ा लिखा दीवान वर्ग था, दूसरा वैश्य वर्ग था जो किसान वर्ग के अंतर्गत रहा व्यापारी वर्ग के अंतर्गत रहा, दूसरा क्षत्रिय वर्ग था जो राजा सेनापतियों के अंतर्गत आता था जो युद्ध लड़ते थे, तीसरा वैश्य वर्ग था जो व्यापारी और किसानों के अंतर्गत आता था, चौथा शूद्र वर्ग था ये जो है वो दास वर्ग के अंतर्गत आता जो कामकाज वर्ग था, ठीक है। ये चार वर्ग सामाजिक जीवन में निकले थे, इससे आजकालिक भारत में सामाजिक जीवन के अंतर्गत तीनों जो वर्ग थे वो काफी उच्च दर्जे के वर्ग माने जाते थे, चौथा जो वर्ग था वो थोड़ा निम्न दर्जे का माना जाता था। इस जो कुछ वर्ग में हम काफी स्वच्छता से संबंध दूर रहते थे और इन वर्ग में जो है काफी ऐसे लोग भी थे जो स्वच्छता से परे थे, तो इस प्रकार से है सामाजिक रूप से ये पूरा परिदृश्य बना हुआ था, समाज जो है तीन चार भागों में मुख्य रूप से बटा हुआ पाया जाता था, ठीक है। ये सामाजिक पक्ष है, दूसरा आर्थिक पक्ष के बारे में जो है इंसान ने क्या बताया है, तो आर्थिक पक्ष के बारे में बताया कि उसमें जो है आजकालीन भारत में व्यापार प्रचलन में था, व्यापारिक प्रचलन था, कृषि कार्य में प्रचलन थे और विदेशी व्यापार की प्रचलन था, ठीक है। विदेशी मुद्रा जो है भारत के अंदर जो है राजस्व कृषि से होने वाली आमदनी इसको भी जो है वो हमें प्रचलन में लिया गया था, मुद्रा प्रचलन में भी मुद्रा विनिमय प्रचलन में था, मुद्रा से विनिमय होता था, ठीक है। तो आर्थिक रूप से जो है वो आजकालीन भारत में काफी ऐसे लोग थे जो अपने व्यापार को अपने कृषि कार्य को प्रचलित कर अपने कृषि कार्य को विकसित कर लेते थे, धीरे धीरे लोग कृषि कार्य को जो है अच्छे स्तर पर विकसित कर लेते थे, ये और विश्वविद्यालय उनका
जाता हूँ लेना जरूरी है। ठीक है, ये दोनों ही शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय और गुरुकुल विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, और इन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के माध्यम से जो है पूरी दुनिया में जो है वो अलग अलग देश के लोग आते थे और शिक्षा का लाभ जो है वो हर काले लेते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय वल्लभ विश्वविद्यालय ये भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, शिक्षा के माध्यम से संस्कृत शिक्षा का शिक्षा ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। वेतन और पुरस्कार से सभी लोगों को बराबर सम्मान प्रदान करते थे, सभी को व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन करने की सीख भी देते थे। तो इस प्रकार से मैंने कैसा प्रभाव जीवन जो है सामाजिक पक्ष में आपको बता दिया, आर्थिक पक्ष का धार्मिक जीवन कैसा था वो देखिएगा, शिक्षा का केंद्र कैसे थे शिक्षा में, साथ ही राजनीतिक जीवन जो है एक शासक और अच्छे राजनीतिक थे, वेतन पुरस्कार के माध्यम कई लोगों को सम्मानित भी करते थे, वेतन पुरस्कार देने के बाद कई लोगों को अच्छे पदों पर ये सुशोभित करते थे, तो ये भी बहुत सम्य विशेषता इस चीज की है। तो इसको विशेष रूप से अपनी कॉपी में आपको ये सारे पॉइंट नोट डाउन करने में इस बात का उसे ध्यान रखें, अर्श का मूल्यांकन करते हैं या कि अर्श कैसे राजा हुए थे, तो इसके बारे में साफ बात है कि अर्श एक बहुत अच्छे शासक थे, योग्य थे। पहला पॉइंट अर्श एक योग्य शासक
कॉपी में